आज क्रेडिन टीवी के डियर साहित्यकार कार्यक्रम में हम आपका परिचय अपने प्रिय साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला जी से करवाने जा रहे हैं। सूर्यबाला जी हमारे साहित्य जगत का स्वर्णिम हस्ताक्षर हैं और उनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के समान होगा, लेकिन चूंकि ये हमारी एक औपचारिकता होती है इसलिए मैं आपको बताऊँ कि सूर्यबाला जी ने साहित्य में कितना कुछ लिखा है, कितना कुछ रचा है, कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सूर्यबाला जी, सबसे पहले हम क्रेडिंग टीवी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नमस्कार नीलिमा, और मेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद क्रेडिंग टीवी का आपका मुझे यहाँ बुलाने, आमंत्रित करने। आपको सुनना हमारा सौभाग्य है सूर्यबाला जी, और हमें बहुत खुशी है कि आपने अपना इतना कीमती समय यहाँ दिया। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि सूर्यबाला जी का जन्म यूँ तो मिर्ज़ापुर में हुआ, लेकिन आपने वाराणसी से ही अपनी सारी पढ़ाई की। आपने रीति काव्य में PhD किया है, और आपका बचपन जो है उसमें आपके पिताजी जो थे वो उच्च शिक्षा अधिकारी थे, और घर पर कई किताबें पाठ्यक्रमों के लिए ढेर सारी किताबें आया करती थी, और सूर्यबाला जी ने बचपन से ही उन किताबों को पढ़ा, गुना, और आज ये हम गर्व से कह सकते हैं कि आज उसी तरह से सूर्यबाला जी की सभी रचनाएं पाठ्यक्रमों में 8वीं कक्षा से लेकर MA तक के पाठ्यक्रमों में आपकी रचनाएं लगी हुई हैं पाठ्यक्रम में, और कितने ही विद्यार्थी आपकी रचनाओं पर शोध कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और सूर्यबाला जी आपकी सतत रचना क्रम, सतत अध्ययन, मनन, गुणन और लेखन से हम बहुत प्रभावित हैं और आपका हम स्वागत करते हैं। और सूर्यबाला जी के लिए ये मैं कहना चाहती हूँ कि पूत के पांव पालने वाली बात है कि आपने 8 या 9 वर्ष की आयु में ही आपने एक कविता रची बांसुरी शीर्षक से, और 1958 से 1962 तक किशोर व्यय में ही MA करते हुए आपने कई कविताएं, कहानियां और लेख दैनिक आज के साहित्यिक परिशिष्टों में लिखे। आपका विवाह जून 1963 में मर्चेंट नेवी इंजीनियर श्री R.K. लाल से हुआ, और विवाह के पश्चात चूंकि ये जॉब भी ऐसी है तो आप विदेश यात्राओं में और पारिवारिक यात्राओं में व्यस्त रहीं, और एक लेखन में आपकी एक अंतराल आया। उसके बाद आपने अक्टूबर 1972 में सारिका में अपनी पहली कहानी लिखी जो जीजी नाम से प्रकाशित हुई, और पहली व्यंग रचना खाना ईंट का और आना समाजवाद का आपकी रही। दूसरी कहानी अविभाज्य, वो भी धर्मयुग, 1973 के अंकों में प्रकाशित हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि उस समय धर्मयुग के संपादक हमारे हिंदी जगत के, साहित्य जगत के बहुत बड़े नामचीन साहित्यकार श्री धर्मवीर भारती जी थे, और वो ऐसे किसी और किसी की रचना नहीं छापते थे। तो सूर्यबाला जी एक सशक्त समय, उस समय से युवावस्था से ही सूर्यबाला जी ने अपनी सशक्त साहित्य से अपने साहित्यिक पत्रिकाओं में अपनी जगह बनाई, और बेहद चर्चित आपका सबसे पहला उपन्यास मेरे संधि पत्र 1975 में धर्मयुग में किस्तों में प्रकाशित हुआ, और इतना चर्चित हुआ वो उपन्यास, आगे जाके उसको उपन्यास रूप में आपने उसका प्रकाशन भी हुआ, लेकिन उससे आपकी इतनी ख्याति हुई और उसके बाद तो आपने पीछे मुड़ के कुछ देखा ही नहीं सूर्यबाला जी। और उसके बाद जो आपने लिखना शुरू किया, कई उपन्यास आपने लिखे, और 1984 में आपकी जो उपन्यास आया था अग्निपंखी, उसको भी श्रेष्ठ कृतियों में, उसका देश की श्रेष्ठ कृतियों में उसका नाम हुआ, और आपका उपन्यास दीक्षांत भी सारिका में प्रकाशित हुआ और पाठकों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया, और 2007 में उस समय उसे मुंबई विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में लगाया गया। सूर्यबाला जी की इतना साहित्य है कि आपके कहानी संग्रह, सबसे पहला आपका कहानी संग्रह एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम 1977 में आया, फिर दिशाहीन जो दो संस्करण आए, एक 1981 में, दूसरा 2010 में, थाली भर चांद इसके भी दो संस्करण 1988 में और 2006 में, मुंडेर पर, गृह प्रवेश, सांझवती, कात्यायनी संवाद 21 कहानियाँ, सिस्टर प्लीज आज जाना नहीं, मानुष गंध 5 लंबी कहानियाँ, 21 श्रेष्ठ कहानियाँ, गौरा गुणवंती, यादगारी कहानियाँ, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, अलविदा अन्ना भी एक तरह से स्मृति कथा ही है, और
इसके अलावा आपकी वेणु का नया घर, 21 श्रेष्ठ कहानियां, मेरे श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, 51 व्यंग रचनाएं। सूर्य बाला जी, मुझे लगता है कि आप ही पहली महिला होंगी जिन्होंने इतने व्यंग संग्रह लिखे हैं, और व्यंग जगत में आपने इतना महिलाओं का साहित्यकार, महिला के रूप में आपने हमारा साहित्य जगत का नाम रोशन किया है। आपके व्यंग संग्रह आए अजगर करे ना चाकरी, ब्रकराश टाइम्स, देश सेवा के अखाड़े में, भगवान ने कहा था, मेरी प्रिय व्यंग रचनाएं, और भी उसके बाद अनेक रचनाएं आई हैं आपकी। आपके उपन्यास मेरे संधि पत्र का 1978 में राजकमल से प्रकाशन हुआ, सुबह के इंतजार तक, अग्निपंखी, यामिनी कथा, दीक्षांत, और उसके बाद अनगिनत आपके कहानियां, उपन्यास संग्रह आते गए। और आपने एक बाल उपन्यास झगड़ा निपटारा का दफ्तर, इसके भी दो संस्करण आए 1982 और 2010 में। इसके अतिरिक्त वेणु का नया घर और भी आपकी कई कहानियां, कहानी संग्रह, उपन्यास आते रहे। और अभी इस पिछले साल आपका आया है कौन देश के लोग, वेणु की डायरी, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ, मैं कहूँ श्रेष्ठतम उपन्यास है, मैंने अभी तक जितने पढ़े हैं उनमें है। तो ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि आप अभी तक इतना जबरदस्त हमारे को साहित्य से लाभान्वित कराती आ रही हैं। आपकी रचनाओं का मराठी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़ और अंग्रेजी भाषाओं में अनुवाद हुआ, और विदेशी भाषाओं में बहुत अनुवाद हुआ है। आकाशवाणी, दूरदर्शन पर आपके सीरियल्स, आपकी कहानियों की प्रस्तुतियाँ हुई हैं, टेलीविजन धारावाहिक और दूरदर्शन प्रस्तुतियों में प्रमुख है, पलाश के फूल, ना किन्नी ना, सौदागर दुआओं की, एक इंद्रधनुष, सबको पता है, रेस, निर्वासित आदि हैं। दूरदर्शन पर सोफा नामा, कला भी थी, पूर्व जन्मों का लेखा जोका आदि अनेक व्यंग रचनाओं का पाठ भी किया गया है। न्यूयॉर्क के शब्द स्टार टीवी कार्यक्रमों में आपकी कहानियाँ और व्यंग रचनाओं का पाठ हो चुका है, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। नेहरू सेंटर लंदन में आपके व्यंग व कहानी पाठ हुए हैं। 2001 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के तुलनात्मक अध्ययन विभाग में समकालीन महिला लेखन तथा अपनी रचना प्रक्रिया पर आपने व्याख्यान दिया। सन 2002 में वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में कैटेबियन देशों में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रसार पर आपका व्याख्यान हुआ। आपकी कहानी सजा याफ्ता प्रसार भारती दूरदर्शन की इंडियन क्लासिकल श्रृंखला में प्रशंसित और पुरस्कृत हुई है। तो इस तरह से आपका बहुत बड़ा साहित्यिक योगदान रहा है, और इसी के साथ आपको बहुत बड़े सम्मानित साहित्यिक सम्मान मिले हैं। आपको साहित्य में विशिष्ट योगदान हेतु भारतीय दलित अकादमी उज्जैन द्वारा सावित्री बाई फूले सम्मान, काशी नागरी प्रचारणी सभा सम्मान, उत्तर साहित्य श्री 2003, उत्तर प्रदेश लेखिका मंच सम्मान 2004, वामा शक्ति आरोहण सम्मान 2004, राष्ट्रीय लेखिका सम्मेलन सम्मान उदयपुर 2004, काशी हिंदू विश्वविद्यालय सम्मान आजीवन उपलब्धि 2007, शतकोत्तर स्वर्ण महोत्सव सम्मान 2007, व्यंगश्री पुरस्कार 2007, अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला सम्मेलन 2008, रत्ना देवी गोयंका वागदेवी पुरस्कार 2008, वागमणि सम्मान, सीएल प्रभात पुरस्कार, राम मनोहर त्रिपाठी साहित्य सम्मान, शिवजी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, महाराष्ट्र साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य गौरव सम्मान, जीवंती फाउंडेशन, और कई कई इतना लिस्ट है मेरे सामने पुरस्कार और प्रतिष्ठित सम्मानों की आपकी। तो सूर्य बाला जी, आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे लगता है कि आपके अगर सम्मान पढ़े जाएंगे तो हम, मुझे आज पूरा समय इसी में हमें लग जाएगा, और हम आपसे बात करने का लोग आपसे जो हम बात करना चाहते हैं वो हमारी अधूरी रह जाएगी। आपका हार्दिक स्वागत है सूर्य बाला जी। और मैं इस बात से इतना, मैं क्या सारा साहित्य जगत ही इस बात से बहुत प्रभावित है कि आपका जो पहला उपन्यास मेरी संधि पत्र धर्मयुग जैसे प्रतिष्ठित साप्ताहिक पत्रिका में 1975 में आया था, उसका इतने वर्षों बाद प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका पाखी ने वापस उसका प्रकाशन किया है, तो ये कालजयी रचना आपकी रही है, इसके बारे में आप हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। आपने इतना ज्यादा बता दिया है नीलिमा कि मुझे तो बहुत संकोच लग रहा है कि इसके बाद और क्या बताया जा सकता है। आप जब सारा पढ़ नहीं थी तो मुझे लग रहा था कि ये कोई और सूर्य बाला है, ये किसी और सूर्य बाला का वर्ण, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे समकालीनों ने बहुत लिखा है। आप मेरे संधि पत्र को लेकर पूछ रही हैं, तो वो सच में मेरे जीवन की बहुत ही रोमांचक और स्पंदित कर देने वाली अनुभूतियों और एहसासों में वो एक है।
क्योंकि जैसा कि आपने कहा डॉक्टर धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक, और मुझे लिखते हुए उन दिनों सिर्फ 2.5 वर्ष हुए थे। 2.5 वर्ष में तो लोग एक दो लघु पत्रिका या कहीं एक दो कहानियां, और मैं मेरे पति स्थानांतरित होकर आए थे मुंबई, तो मैं भी आ गई और उपन्यास पूरा हो गया था। तो मैंने कहा कि स्वयं चल के धर्मयुग में मैं धर्मयुग कार्यालय में दे दूं इतना मोटा। और उस समय पहले मैं हमेशा याद करूंगी मनमोहन सरल जी को, उस समय सहायक संपादक थे धर्मयुग के, और वही पहले देखते थे कृतियों को। उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए मैं देख तो रहा हूँ लेकिन अंतिम निर्णय सब कुछ डॉक्टर साहब का मतलब भारती जी का होता है, मैं सिर्फ अपना आपको बताया। बाद में मेरे पास खबर आई कि भारती जी मुझसे मिलना चाहते हैं, बुलाया है। मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं पति को साथ लेकर गई, और जब मैं भारती जी के केबिन में घुसी हूँ आप सोचिए पैर कांप रहे हैं, और भारती जी ने भी बड़े आराम से पूरी बातें मेरे हस्बैंड से लाल साहब से, मतलब एक बड़ी उनकी वत्सली आंखें थी और एक शरारती किस्म की वत्सल हंसी भारती जी के होठों पर रहती थी, और मुझे जानबूझ के चुपचाप बैठे रहने दिया। जब पूरी बातें हस्बैंड के बारे में पूछने में खत्म हो गई तब मुझसे कहते हैं कि आपका उपन्यास मुझे बहुत पसंद आया, इसे मैं धर्मयुग में प्रकाशित करूंगी, आप सोच नहीं सकती। और एक और मजेदार बात इससे जुड़ी हुई है कि एक महिला की प्रत्युत्पन्न मति, उस वक्त उन्होंने कहा कि लेकिन मैं चाहूंगा कि वो सिगार पीते थे और आंखों पर चश्मा चढ़ा होता था, कि आप एक बार इसका तीसरा अध्याय अंतिम अध्याय एक बार और देख जाइए, मैं चाहती। पता नहीं मुझे क्या इतनी ज्यादा अंदर वो था, विश्वास न कर पाने की स्थिति। मैंने कहा कि मान लीजिए मैं देख जाऊं और फिर भी आपको ना ऐसा ही दे दूं, तो उन्होंने कहा तो मैं इसे ऐसे ही छापूंगा। बहुत बड़ी बात। तो इतने बड़े साहित्यकार का मुस्कुरा के कहना, आज तक वो मुस्कुराहट शब्द मेरा पीछा कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ऐसी ही मेरी पहली कहानी सारिका में कमलेश्वर जी ने, और मैंने कोई कहानी नहीं भेजी थी उन्हें, ये मैं नए लोगों को बताना चाहती हूँ कि बस लिखिए, मैंने उनको सिर्फ एक प्रतिक्रिया भेजी थी, और वो प्रतिक्रिया मेरी हास्य व्यंग में थी, एक कहानी की प्रतिक्रिया भेजी थी लंबी। उस प्रतिक्रिया को पढ़कर कमलेश्वर जी ने मुझे पत्र लिखा है, सोचिए एक आलेखिका कहीं एक कहानी भी नहीं प्रकाशित जिसकी, उसको पत्र लिखा कि मैंने आपकी प्रतिक्रिया देखी और मुझे लगा कि यदि आप नियमित रूप से लिखें तो हिंदी को आपसे कुछ बहुत अच्छी रचनाएं मिल सकती। तो ये मैं हमेशा कहती हूँ। नहीं, ये बात सही है दीदी कि पहले शुरुआत तो इसी से होती थी, हम अखबारों में लिखते थे प्रतिक्रियाएं चिट्ठी, उसी से ही हमारा सत्ता था। आप बहुत अच्छी बात बता रही हैं हमारे युवाओं के लिए कि लिखने में काफी साधना पड़ता है इंसान। हाँ, बस लिखिए, मारिए, तराशिए। आपकी अधिकतर कहानियां मैंने देखी हैं, पढ़ी हैं, देखी क्या हैं आपके संग्रह के, संग्रह पढ़े हैं मैंने, और आपकी सारी कहानियां मैं देखती हूँ कि सब मध्यम वर्गीय, जो समाज की जो विसंगतियां हैं, लगता ही नहीं है कि कहानियां पढ़ के कि कोई कहानी पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो सब हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ। अभी रिसेंटली आपकी एक मैंने कहानी पढ़ी थी निर्वासित, तो मैंने पहले पढ़ी, रेस मैंने अभी दोबारा देखी थी एक बार। अच्छा, रेस आपने पढ़ी? रेस मैंने पढ़ी, तो मुझे बहुत मतलब बिल्कुल ही आपने तो वर्तमान का पूरा हमारे युवाओं का जिस तरह से आजकल हो रहा है कि महत्वाकांक्षा और एक बाहर की एक होड़ जो है ना, वो होड़ में किस तरह से आदमी आगे उसको दौड़ना ही पड़ता है, वो अपने हेल्थ को इग्नोर करता है। मतलब आपने पूरी इतनी लंबी, शायद यही कहानी आपकी धर्मयुग में अंकों में आई है। हाँ, मैं आपसे ये इस कहानी के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण बताऊंगा। आपने कहा नीलिमा अभी की जो आजकल हो रहा है, जैसे हमारे युवा ये अंत प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे को रौंदते हुए स्वार्थ में अंधे होकर दौड़ रहे हैं, नीलिमा
ये कहानी आज की जो आज सच साबित हो रही है, ये कहानी आज से 3 दशक पहले की है। ये धर्मयुग में प्रकाशित मेरी पांचवी छठी कहानी है और लोगों ने कहा था कि ये समय से बहुत आगे की कहानी है। और उस समय मैं अलीगढ़ में नहीं थी, उस समय मैं अलीगढ़ में थी, मुंबई में नहीं थी। लोगों ने समझा कि मैंने महानगरीय रेस का चित्रण किया है, जबकि मैंने अलीगढ़ में ही बैठकर, चूंकि मेरे पति मल्टीनेशनल में थे, तो वो रेस मल्टीनेशनल में जो हो रही थी, जो हमारे यहाँ होने वाली थी 20 वर्ष बाद, 2 दशक बाद, वो उस समय मैंने भविष्य में झांक लिया। इसलिए मैंने पूछा कि ये वही रेस है क्या, कहानी जो आपने इतने आपकी रचनाएं इसलिए कालजयी कही जाती है कि आपकी एक एक रचना इस तरह की है। और एक बात मैं बताऊं आपको, मैंने शायद नया ज्ञानोदय या समकालीन भारतीय साहित्य में आपकी एक रचना पढ़ी थी, गणपति गणनायक। अरे बहुत अच्छी कहानियों का जिक्र कर रही हैं आप। वो गणपति गणनायक मतलब मेरे दिमाग में अभी भी बैठी है। आप मानेंगे नहीं कि मैं कभी भी जब गणपति के दर्शन करना जाती हूँ तो मेरे दिमाग में वो आपकी वो रचना इतना घूमती है। बहुत आपने उस गणपति के माध्यम से कि अमीर लोग कैसे गणपति बिठाते हैं और चाल में कैसे गणपति बिठाते हैं, गणपति को प्रतीक बना दिया है एक निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति का और एक उच्च मध्य वर्गीय, और उच्च वर्गीय व्यक्ति में कैसे कैसे छद्म, कैसे कैसे पाखंड, कैसे कैसे दंभ और अहम आ जाते हैं। तो आप ही नहीं, बहुत से लोग जहां में कभी तो लोग उसका जिक्र, उस कहानी का जिक्र जरूर करते हैं। और एक बार बताऊं नीलिमा कि वो मेरी एकमात्र व्यंग्य कहानी है, पूरी व्यंग्य कहानी, पूरी व्यंग कहानी, कमाल की कहानी है, पूरी व्यंग। धन्यवाद। उसी में ये आपका मतलब वो झलकता है कि कहानी का कौशल कि कैसे आपने वो कभी भूलती नहीं है। वो आपकी कहानियां ऐसी हैं कि वो कभी भूलेगा नहीं कोई भी इंसान पढ़ेगा तो। आपको ध्यान होगा उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात मैंने लिखी है कि वो निम्न मध्य वर्गीय गणपति जिसका नाम गजानन रखा, गजानन उच्च वर्गीय का गण नायक रखा, तो वो कुछ कह रहा है कि आप कब तक रहेंगे, वो टावर वालों ने खरीदा है उन गणपति को, इन्हें चौल वालों ने खरीदा है, तो वो पूछ रहा है कि आप कब तक, कितने दिन रहेंगे सर जी। तो कहता है तुम्हें मोबाइल होता तुम्हारे पास तो मैं तुम्हें बता देता। तो कहता है कि क्या कलाकार जी ने आपको शंख चक्र उसके साथ मोबाइल भी दिया है, मतलब आपकी मूर्ति के हाथों में पकड़ाते हैं ना। तो ये मेरी कल्पना लोगों ने बहुत सराही है। और उसमें आपने कई हाइजीन का भी बताया कि जो बड़े लोग होते हैं वो क्या नाटक करते हैं, और जो चौल वाले होते हैं वो लड्डू खाते हैं, लेकिन वो बड़ा वाला गणपति कहता है कि नहीं लड्डू भी कोई खाने की चीज है। हाँ। ये शिट है, ये है, आपने कई चीजें उसमें मतलब सच्ची आस्था, चौल वालों की सच्ची आस्था और टावर वालों की तमाम कंज्यूमरिज्म जो कह देते हैं आपको। बहुत खूबसूरत कहानी है वो, मैं कभी मुझे भूलती नहीं है आपकी। और आपकी माय नेम इज ताता अभी कहानी जी, ये सब कहानियां मैं पढ़ती रहती हूँ और मैंने माय नेम इज ताता भी दिमाग में है वो सजाता, जो बच्चों का आज ये भी वही है, कालजयी रचना है आपकी। मेरे ख्याल से आगे भी ये पूरी इसी तरह से रहेगा, जिस तरह से ये प्रतिस्पर्धा चल रही है और जैसे एकल परिवार का कॉन्सेप्ट आ गया है कि अकेले परिवार में रह रहे हैं आयाओं के भरोसे बच्चे और माता पिता। नीलिमा मैंने इसीलिए आपसे कहना चाहा कि ये जो माय नेम इज ताता ऐसी कहानियां हैं तो मेरी कलम को ये रिश्ते, जुड़ाव, आपसदारी, मुझे लगता है कि इसे लोग परिवार को सिर्फ एक परिवार सोचकर न रह जाएं, और ये सारी जिम्मेदारी, ये सारा दायित्व मैं हम महिलाओं का है। बिल्कुल। और परिवार सिर्फ एक छोटी सी कड़ी नहीं है, ये पूरे विश्व की धुरी है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पर जो संबंधों, रिश्ते, जो बच्चे के मन में जो स्मृति कोष होता है बच्चे के अंदर, वो जब तक उसको बचपन में प्यार नहीं मिलेगा, तो माय नेम इज ताता में मैंने ये दिखाया बाद में, तो उसको सच का प्यार, दुलार तब मिलता है जब दादी आ जाती है और वो सोचती कि दादी कौन है, ये आया भी नहीं है, मतलब उसको पहचान भी नहीं पाती है दादी को कभी कभी। हाँ, आया का वही होता है बुढ़ी औरत, गंदी औरत, आया है ये, आया है कि ये संतरे बेचने वाली बाई है या झाड़ू पोछा लगाने वाली कौशा बाई है, तो बीच में तब उसमें से
और तब उसकी और दादी का एक नया रिश्ता, एक नया जुड़ाव शुरू होता है, जो अंत में मैंने इस कहानी को विश्वास पर गिराया है। इस कहानी का अंत जो लोग बहुत पसंद करते हैं कि गांव से आ गई है दादी और दादी का घर बारिश तूफान में गिर गया है। गांव का आदमी आता है और कहता है कि माँ जी चलो, आप तो 3-4 दिन को आई थी, मतलब आया की एब्सेंस के लिए। और दादी आकर तय करती है कि गांव का घर गिरे या जो भी हो, उसे तो ताता की बात माननी है, क्योंकि ताता ने उससे कहा है कि दादी तुम जाना मत। और देखिए यहाँ मैंने एक बहुत बारीक सी चीज हंसते हंसते दिखाई है कि ताता ने कहा तो दादी से, लेकिन ताता को लगता है कि दादी चली जाएगी, दादी भी झूठी बोलती होगी जैसे पापा बोलते हैं, जैसे मम्मी बोलती है, होता है ना हम बच्चों से अनजाने झूठ बोलते हैं। और अंत में दादी कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। खुद उसका बेटा पूछता है माँ से कि क्यों माँ, 4-5 दिन की तो बात है। वो कहती है कि नहीं, 4-5 दिनों की बात नहीं है, ये ताता और मेरे बीच के विश्वास की बात है। ये सच्चाई है सूर्य बाला जी, ये आज की सच्चाई है, मुझे लगता है हमारे परिवारों की सच्चाइयां हैं ये, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ये जैसे हम किसी अपने ही किसी परिवार की कहानी देख रहे हैं ये, इसीलिए लिखते हैं ये कहानी। बिल्कुल इसी तरह से आपकी कागज की नावें, चांदी के बाल, तो बहुत ही खूबसूरत कहानी, पीली फ्रॉक वाली लड़की, मतलब आपकी कहानी में पीले फ्रॉक वाली लड़की वो दिखने के लिए वो छोटी सी कहानी है, लेकिन वो कहानी इतनी असरदार है कि वही जैसे आपने लिखा है उसमें कि कभी कभी हमें पता नहीं पड़ता कि जिंदगी का कौन सा हिस्सा कहाँ बटा हुआ है, कब चला आएगा जी। क्योंकि एक तीसरी चीज मेरी कहानियों के लिए लोग कहते हैं अक्सर कि आप बहुरूपिया कथाकार हैं, जाने कितने तरह की कहानियां लिखा करती हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये कहानियां मैं इसलिए लिख पाई नीलिमा, क्योंकि मैंने अपने आप को विमर्शों में, आंदोलनों में और चले आते ये तमाम तरह से इसमें बांटा नहीं। मैं अपनी धुन में, अब मैं नए लेखकों से भी यही कहती हूँ कि जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें अंदर तक छूता है, जिसको तुम दे सकते हो जो मूल्यवान, वही दो। साहित्य का बाजार जो मांग रहा है वो मत सोचो कि क्या दो। तो असली चीज है इन कहानियों के इसके बीच का ये जुड़ाव। और दूसरी चीज मैंने लिखा है इसलिए आपको बताऊं कि प्रेम को लेकर के वो प्रेम के त्रिकोण वाली कहानियां, मेरी आदत है कि जो कुछ बहुत लिखा जा रहा होता है उसे मुझे एलर्जी हो जाती है, वो फिर मैं वो विषय नहीं उठाती हूँ। और इसमें मैंने ये दिखाई एक निश्चल बचपन का, किशोर वय का जो एक निश्चल आकर्षण और प्रेम होता है, वो इतना कुछ त्याज नहीं होता, वो पूरे उम्र आपको, आपके लिए एक स्मृति काम करती है और आपको अच्छा, और दोनों खुश हैं। बचपन का देखा वो व्यक्ति उससे मिलने आता है, वो सोचती है कि मेरे पति से जरूर कुछ जॉब या कुछ उस सिलसिले में आया है आदमी, वरना कब का कब देखा बचपन का क्यों आएगा। लेकिन वो इसलिए आता है कि बचपन की उस पीले फ्रॉक वाली लड़की को एक बार मैं देखूं और उसे अच्छा ये लगता है कि मैं जब बचपन की पीले फूलों वाली फ्रॉक की या बचपन की बात करती हूँ तो मेरे पति और बच्चे उसको विजुलाइज नहीं कर सकते, कोई पति बच्चे नहीं, लेकिन इस व्यक्ति ने पीले फूलों वाली फ्रॉक मेरे बचपन को अपने अंदर रखा है। तो और दोनों अपने अपने जीवन में खुश हैं, संतुष्ट हैं, दोनों का विवाह हो गया है। तो ये एक जीवन के हमें इस स्वस्थ, ये आपकी कहानियों की खासियत है सूर्य बाला जी की, आपने कहानियों में जो जीवन मूल्य हैं, जो अपने संस्कृति है, अपने मूल्य हैं, उनको आपने कहानियों में रखा है। इसमें पीले फ्रॉक वाली लड़की में बिल्कुल इनोसेंस है, उस लड़के की भी और इस लड़की की भी, मिलते हैं, लड़की को भी सब कुछ याद है, पुराना एक एक चीज याद है, मगर इसमें कुछ इस तरह का प्रेम और जो जैसे कि अब हम लोग ऊपरी चीजें जोड़ देते हैं उस तरह का उसमें कुछ नहीं है। ये एक आपकी कहानियों की मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। आपने नोटिस किया होगा वो पूछता है उसके पति के बारे में, कब तक आएंगे, वही लोग छुप के मिलने नहीं आया है, कब तक आएंगे, बहुत सुना है उनके बारे में, बहुत अच्छे हैं, और पूछती है आपकी पत्नी, तो इस तरह का एक
एक स्वस्थ स्मृतियों का खेल चल रहा है। बहुत खूबसूरत है। अच्छा, उस लड़की को भी सब याद होता है जी, उसको भी सारी चीजें याद होती है, बताती नहीं है उसको, लेकिन उसको भी बताती नहीं, देखिए बताती नहीं, और लोक मर्यादा जब वो एक बार हम खुल, वो इसलिए अच्छा, नहीं तो जो है वो है। पर दोनों के मन में किसी तरह की कोई कोई ऐसे कोई, है भावना, कोई गलत भावना नहीं होती है, ये कोई असहमति। ये बहुत खूबसूरती है आपकी सारी कहानियों की। और इस तरह से आपने कई कहानियां लिखी हैं आपकी, गौरा गुणवंती, और दुनिया भर के लिए इतनी कहानियां हैं आपकी, और एक एक कहानी को अगर अपन हम देखें तो इतना मन, मतलब मैं तो आपकी कहानियों से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। उसके बाद ना किन्नी ना, वो तो वो भी बहुत कमाल की कहानी है, ना किन्नी ना। अच्छा, पढ़ ली है आपने? पढ़ी है पूरी सर, उसमें आपका जब ये विशेषांक आया था उसमें आई थी एक गीता चौधरी का आखिरी सवाल जी। ना किन्नी ना, तो ये आपका विशेषांक आया था आपको याद हो तो इसमें सारी आपकी दी थी हमने कहानियां उस समय। गौरा गुणवंती के मैं आपसे बताऊं कि अभी किसी ने कहा, ये भी मेरी पहली, लग सोचिए पहली या दूसरी, मतलब प्रकाशित तो जीजी हुई पहली कहानी के तौर पे, लेकिन उसी समय ये भी लिखी जा रही थी, तो किसी ने कहा कि सूर्यबाला जी इतनी सीधी कहानी नीलिमा मुझे खुद समझ नहीं थी। देखिए जब निश्चल कथाकार होता है ना, और वो कहानी बनाने की कोशिश नहीं करता, नहीं है कहीं भी नहीं है आपकी किसी कहानी में, लिखी जाती है तब वो कहानियां लंबी यात्रा करती। उसने कहा दीदी आपकी ये कहानी ऑलरेडी 45 वर्षों की यात्रा कर चुकी है और अभी गौरा पुरानी नहीं हुई है, याद है सबको, मतलब सबके जमान पर है आपकी रचनाएं, सारी सारी कहानियां ही ऐसी हैं सूर्यबाला जी। और सांप्रदायिक स्थितियों पर भी आपने ब्यूटीफुल शॉट, और ये ऐसे कई दुखी होके कई बार हम प्रभावित होते हैं ऐसी चीजें, हमको लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो वो भी आपने लिखी है। पर बोलते हैं आपकी सारी कहानियां हमारे, मतलब लगता है कि हमारे जीवन में ही घटित हो रही है, मध्यम वर्गीय परिवारों की सच्चाइयां हैं। और इसी तरह आपने कई उपन्यास लिखे हैं जिसमें यामिनी कथा पर हमने यहाँ जयपुर में करवाया भी था, सेमिनार करवाया था, आप आई भी थी उसमें। ओ ओ तो, जी जी मुझे याद है, याद है, बहुत अच्छा बोले। यामिनी कथा और अलविदा अन्ना दोनों पे एक सेमिनार हुआ था, आप आए थे उसमें, वो भी आपने बहुत ही खूबसूरत, मतलब ऐसा लगता है कि पिता का प्यार और माँ की ममता, वो आपने लिखा भी है उसमें कि दो ऐसी चीजें हैं जो अपने विशुद्ध असली रूप में किसी बच्चे को ना तो पुरुष, दूसरा पुरुष दे सकता है ना दूसरी स्त्री। वो एक पूरी किताब का ये आपका सार यही है यामिनी कथा का। मनु भंडारी की आपका बंटी याद आ जाती है आपका ये देखकर, हालांकि आपने और भी उसमें अलग कही अपने कोणों से, बहुत ही खूबसूरती से स्त्री के अंतर्मन की व्यथा बताई है कि एक स्त्री के लिए वो तो पुरुष को अपना प्यार देती है, लेकिन पुरुष जो है वो उसको सहज भाव से लेता है, जो दूसरा पुरुष भी होता है उसकी जिंदगी में आता है। मैं आपको एक इसमें महत्वपूर्ण बात बताऊं, ये मुंबई विश्वविद्यालय में इस पर संगोष्ठी हुई थी यामिनी कथा पर, तो एक बड़ी अच्छी, एक बड़ा अच्छा वाक्य कहा था किसी ने कि ये आपका बंटी की अगली कड़ी है, उत्तर यामिनी कथा आपका बंटी की अगली कड़ी है, क्योंकि उसमें बंटी छोटा रहता है और इसमें पुतुल जो है यामिनी का बेटा वो 14 साल का है। और जो कभी लोग पूछते हैं कि आपकी स्त्री कितनी आगे बढ़ी, तो मैं कहती हूँ कि इतनी आगे बढ़ी कि शिवा तो मेरे संधिपत्र की शिवा जो थी वो इतनी भावुक और संवेदनशील थी कि उसने विवाह नहीं किया, लेकिन यामिनी ने सामाजिक सुरक्षा के लिए स्वयं विवाह करती है यामिनी निखिल से, क्योंकि निखिल ने प्रस्ताव दिया, और प्रेम विवाह नहीं होता, और यामिनी अपने 14 वर्षीय बेटे से पुतुल से पूछ कर विवाह करती। और नीलिमा इस कहानी का सबसे मार्मिक मोड़ ये है कि यामिनी पुतुल से पूछ के कि निखिल अंकल कह रहे हैं बेटा मैं उनसे शादी करूं, और पुतुल बहुत खुश होता है 14 वर्ष का बच्चा कि हाँ निखिल अंकल बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब विवाह हो जाता है
तो चीजें इतने मार्मिक मनोवैज्ञानिक मोड़ लेती हैं। पुतुल के लिए निखिल अंकल, उनको अंकल के रूप में देखना और पिता के रूप में देखना, इसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। और वो पिता, वो नया पिता, उसकी उसका पहला विवाह है और वो 14 वर्ष की बच्चे की माँ जिससे उसने विवाह किया है उससे नवोढ़ा की तरह उम्मीद कर सकता है। बहुत मार्मिक है वो, बच्चे की जो आंखों का और उस तरह से वर्णन किया है कि उसकी मौन आंखें, और माँ के लिए भी कितना त्रासद होता है और बच्चे के लिए तो खैर है ही, उसको प्रणाम। और इससे भी मार्मिक ये है कि जब इसको एक नया बच्चा पैदा होता है यामिनी को, और यामिनी हॉस्पिटल में है और 14 साल का 15 साल का पुतुल उसके पास हॉस्पिटल में जाता है ये पूछने, क्योंकि उसका पिता तो मर चुका होता है। तो पुतुल जाता है यामिनी से कहने कि माँ, मैं पापा की, मतलब अपने पापा की डेथ एनिवर्सरी पर उनका उनको देने जा रहा हूँ पेपर में, क्या आपका नाम भी दे दूँ? बहुत मार्मिक है। और इसके बाद आपकी कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ये किताब मैंने पढ़ी, बहुत शानदार किताब जिसमें आपने सब कुछ खोल के रख दिया, सब कुछ उंडेल दिया अपना, इतना वर्णन है इसमें प्रवासी भारतीयों का, या जो आज पीढ़ी हम वहाँ चली जाती है और वहाँ जाने के बाद किस तरह से दुखी होती है और जाना भी पड़ता है, महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। इसके बारे में यही बताना है, आपने तो पढ़ लिया नीलिमा, मुझे आपसे बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ा होता है ना वो आते हैं बात करने तो एक अलग तरह का सुख और एक वो बनती है, एक रास्ता बनता है। यहाँ भी ये बड़ी दिलचस्प बात है और जरा भी गर्वोक्ति नहीं है कि मैं जो सब जगह कहती हूँ कि मैं उपन्यास लिखने की मैंने सोची ही नहीं थी, मैं तो अपने बेटे के घर गई थी और उपन्यास वगैरह सब जब मैं घर में होती परिवार में होती हूँ तो बस वो वन ट्रैक ही चलता है, वो बाकी कुछ भी नहीं चलता है, वो बिल्कुल अलग अलग मैं विभाजित हूँ। और मेरी लेखिका को कोई माँ, मतलब कोई लेखिका, मेरे अंदर की लेखिका किसी माँ को, किसी पत्नी को कभी बेदखल नहीं करती, और मैंने किसी एहसान पर नहीं लिखा है, कोई छूट नहीं मांगी है, लोग मुझसे कहते हैं कि ये आपका स्त्रीवाद है। तो इस उपन्यास में मैंने डायरिया लिखी, जो कुछ देखा, जो तकलीफ हुई, जो मन में तड़प हुई, कचोट हुई, वहाँ के पश्चिमी इसको, अच्छा पश्चिम को भी देखना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, मेरे पति नेवी में थे तो मैं घूम चुकी थी, लेकिन अब जो इस मैंने जाकर के देखा तो वो जो अमेरिका के समाज को देखा, अमेरिका के परिवार को देखा, अमेरिका के रिश्तों को देखा, हाफ ब्रदर, क्वार्टर ब्रदर सिस्टर, दो सगे छोटे छोटे भाई बहन, वो एक माँ के साथ वहाँ सौतेले पिता के साथ और बहन कहीं और रह गई, और वहाँ जो जब ये आता है रिसेशन आता है, और उसमें किस तरह से भारत के गए युवा न बाहर वापस लौट सकते क्योंकि उनका एक स्वाभिमान आत्मसम्मान न बाहर रह सकते। और चित्र सूर्य बाला जी, और मैं इस किताब पर आपसे अलग अलग से इससे आपसे विमर्श करना चाहूंगी, क्योंकि इस किताब के लिए बहुत लंबे समय की हमें जरूरत है और हम कभी समय निकालेंगे हम, आज हमारे पास समय के अभाव है और आपसे बातें बहुत करनी थी, इस किताब पर अलग से जरूर से मैं चर्चा करूंगी आपसे, और आप क्रेडिट टीवी पर आई हैं इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें, हमारे युवा साहित्यकारों को कुछ संदेश या कुछ भी अपनी तरफ से कुछ बताना चाहें तो हम स्वागत है आप। देखिए, युवा साहित्यकारों को लेकर, लेखकों को लेकर मैंने ये महसूस किया है नीलिमा कि मतलब हम अपने समय में उतने मैच्योर, उतने परिपक्व नहीं थे जितने की वो हैं, और आज के समाज की रग रग रेशे रेशे में भी वो बैठे हुए हैं और वो बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत गहरी परतें उसमें धंस रहे हैं, आज के जीवन में लिख रहे हैं। लेकिन एक दो चीज़ें मुझे जो खटकती हैं थोड़ी सी, वो ये कि हमें
हम इतने पुराने लेखक हो गए, लेकिन हम एक लेखक में बहुत ज्यादा आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, इस एक बात में बहुत सी चीजें कह दी सूर्य बाला जी। बहुत बहुत आभार आपका, हमको बहुत बड़ी सीख मिल रही है आपकी इस बात से, और मेरे उम्मीद है कि जो लेखक सुन रहे हैं युवा, वो समझेंगे इस बात का इशारा, बहुत ही काफी है एक छोटा सा इशारा। और आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आप आए क्रेडिट टीवी की तरफ से, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर कभी आपसे बात करने का अवसर मिलेगा ऐसी आशा करती हूँ। बहुत बहुत आभार, मेरा भी उतना ही आभार, उतना ही प्यार आपको और आपके सारे दर्शक। नमस्कार।